हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे होंगे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, ये हमारा ये खरगोश है और हमारे ये भतीजी का खरगोश है, वो भी लाई है, वो रखती है ऊपर। तो आज सभी पड़ोस का एक हमारी है बिटिया रानी, तो वो भी लाई है अपना खरगोश। तो ये दोनों मिला के दो खरगोश, और देखिए एक छोटा खरगोश भी है, ये दो चूहा है। तो एक प्यारे सब लग रहे हैं, कितना क्यूट, तो लेके आई हैं सब। तो बहुत ही एक साथ आके सब बहुत खुश हैं, आपस में लड़ रहे हैं चूहा दोनों। तो देखिए कितना क्यूट खरगोश, प्यारा बच्चा, पानी पा रहा देखिए। तो गाइस ये एक साथ मिल गए हैं सब, और झुंड में इन सबों को आनंद आ रहा है। अकेले बोर हो जाते हैं मेरा खरगोश, तो आज ये सब एक साथ मिलन कर रहे हैं। तो गाइस देखिए कितना सुंदर नज़ारा, ये हमारा खरगोश और ये हमारी भतीजे का खरगोश, सब एक साथ हो आज सब जमा हैं। तो ये कितना सुंदर माहौल है। तो गाइस देखिए ये दो चूहा हैं, ये भी हमारी भतीजी का ऊपर चूहा लाई है, एक छोटा खरगोश उसका है। तो ये दोनों चूहा देखिए। तो गाइस ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सब, बहुत ही क्यूट। ये वो कोने में छुपा हुआ है छोटा बच्चा खरगोश। तो गाइस देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, अकेले बोर हो जाते हैं, तो आज सब एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, तुम सबको आज खेल रहे हैं मिलकर। ग्रुप में हैं तो अच्छा लग रहा है इन सबको, ये सो रहा है, आराम कर रहा है, और दूसरा मस्ती कर रहा है, चूहा है मेरा, लेकिन खा रहा है घास। तो गाइस बताइए कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइए, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। ये मेरा चूहा है, एक खरगोश है, एक मेरा खरगोश जो है हमारी भतीजी का पीछे छुपा हुआ है, चूहा खेल रहा है, ये चूहा और खरगोश एक साथ मिलन कर रहे हैं। तो गाइस देखिए खेलो खेलो खेलो, देखो खेलते रहो। तो ये देखिए कूद रहा है, उछल रहा है, उसके सामने लाओ, उसको सामने लाओ, छोटा वाला खरगोश सामने लाओ। तो छोटा वाला खरगोश दुबक के बैठा हुआ है, डर लग रहा है, ये आगे आ गया। बहुत ही प्यारा क्यूट खरगोश है, गीच गीच के इसको सब एकदम बेकार कर दिए हैं, दुबला गया है, दुबला हो गया है। इन सबों को गिजना नहीं चाहिए, ये सब अकेले में ये सब खेलते हैं, अच्छा लगता है। तो गाइस देखिए ये चूहा हमारा मस्ती कर रहा है ऊपर से, ये बैसड़वी का हमारे भतीजे का चूहा है। यह खरगोश इधर आ जा, एक खरगोश है वो अपना, उसको देखिए वो मांस, वो अपना बच्चा समझ रहा है, लेकिन अलग अलग जगह से आया हुआ है उसको। ये चूहा पानी पी रहा है हमारा। तो गाइस जी कितना सुंदर लग रहे हैं सब, और ये पीछे है उसका, और ये आराम कर रहा है, एक इसको खिला रही है, अपने बच्चा समझ रही है। तो गाइस देखिए ये नज़र देखिए कितना अच्छा लग रहा है,
तो आज एक और खरगोश लेने बोल रही है, क्योंकि ये अकेले अकेले सब हैं, तीन जगह है चलाते हैं तो अकेले अकेले हम सबको बोर हो जाते हैं। तो जा रहे हैं एक और खरगोश, हमारे दीपू भैया की लड़की है तो उनको बोल रही है कि अकेले है बोर हो जाता है मेरा खरगोश, तो इसके लिए साथी लाया जाए। तो मेरा भी खरगोश अकेले है और मेरी भतीजी का भी खरगोश अकेले रहता है, तो आज चलते हैं उसका साथी लाने के लिए। तो साथ में रहेंगे तो सब लोगों को बोर नहीं होंगे और खेलते रहेंगे। तो आते हैं तो लेके अगले ब्लॉग में मैं डालता हूँ उन सबों का वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा है। गाइस देखिए ये मेरा खरगोश और ये चूहा कितना प्यारे हैं सब, और एक साथ सब बैठे हुए हैं। ये हमारे ये ऊपर भतीजी का एक खरगोश है, बगल का ये पड़ोस का खरगोश है, तो एक साथ सबको डाल दिया गया है और कितना मस्ती कर रहे हैं सब। और चूहा भी है इसमें जिमनास्टिक कर रहा है और बहुत मजे ले रहे हैं सब और बहुत खुश हैं। अकेले में उन सबों को बोर हो जाता है तो ये सब एक साथ हैं, तो एक साथ बैठे हुए चिपक के लग रहा है एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही फैमिली है। देखिए चूहा आ गया, ये चूहा भी है दौड़ रहा है और बहुत ही क्यूट चूहा है, और आप लोग उसको देखिए और बताइए कमेंट में कैसे लग रहे हैं सब। खरगोश ये मेरा खा रहा है, ये गोभी खा रहा है और दो अपना उधर एक साथ खेल रहे हैं। तो गाइज बताइए कमेंट करके कैसे हैं सब और कैसा लग रहा है। तो गाइस देखिए ये छोटा खरगोश एक बच्चा भी ये भी साथ में है, दिखाई नहीं दे रहा है, सामने आओ इसको सामने करो छोटे वाले को। तो गाइस देखिए ये बच्चा है छोटा क्यूट बेबी। तो गाइस अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये छोटा खरगोश कितना प्यारा लग रहा है और आपस में सब खा रहे हैं, और दो छोटे चूहे भी हैं वो भी आपस में मिल के खा रहे हैं, कितना भाईचारा है इन सभी में। और जानवर भी आदमी से चालाक हो गए हैं।